दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी सब इंस्पेक्टर अम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिसार के गांव ढाणी परिवाली निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। आरोपी ने अम्बाला सिटी की परशुराम कॉलोनी में लोगों को नौकरी लगवाने का लालच दिया, जिसके एवज में आरोपी ने मोटी रकम भी हड़पी। यही नहीं, आरोपी ने परशुराम कॉलोनी में एक ऑफिस भी बनाया हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रवीण ने निर्मल सिंह नाम के व्यक्ति के साथ नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। जब निर्मल सिंह को आरोपी पर शक हुआ तो इसकी शिकायत सेक्टर 9 थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी के ऑफिस में रेड कर उसे गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में भी आरोपी ने पुलिस को गुमराह किया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने कबूल किया कि वो कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वर्दी भी बरामद की है। हमारे पास कल एक कंप्लेंट आई थी, निर्मल सिंह आदमी ने कंप्लेंट करी थी कि एक प्रवीण नाम का लड़का है और उसने परशुराम कॉलोनी में ऑफिस बना रखा है और अपने आप को दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बताता है और लोगों को नौकरी लगवाने के नाम का झांसा देता है और उसने भी कुछ उसको पैसे नौकरी लगने के लिए दे रखे हैं। जब हमने यहाँ से टीम तैयार करी, टीम तैयार करने पे हमने रेड मारी, रेड के दौरान वो प्रवीण नाम का लड़का वहीं मिला और जब उससे पूछताछ करी तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जब हमने इसको थाने में लाकर पूछताछ करी तो उसने ये कबूला कि हाँ, उसने भी निर्मल सिंह आदमी से पैसे ले रखे हैं। हमने मुकदमा दर्ज करके आगे आज एक दिन का रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान उसका जो ऑफिस था उसमें उसने सोफे के नीचे दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म छुपा के रखी हुई थी। क्या कुछ और बरामद हुआ जी? अभी तो तफ्तीश चल रही है, आगे जांच जारी है। सर कहाँ का रहने वाला है युवक? ये हिसार का रहने वाला है, ये डाणी गांव का रहने वाला है, डाणी पीरा वाली। सर और भी कोई इस मामले में संलिप्त है? नहीं, अभी जाँच चल रही है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके एक दिन का रिमांड लिया था। आरोपी ने रिमांड के दौरान ऑफिस में सोफे के नीचे छुपाई हुई दिल्ली पुलिस की वर्दी बरामद करवाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।